अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के दिन के क्या टेक्निकल एनालिसिस हैं, इससे पहले कल के दिन की बात करेंगे। कल के दिन मैंने आपको गोल्ड में और रॉयल में सेलिंग दी थी, और जैसा आपको बताया था, ये बार बार रोज यही लाइन बोलना, जैसा आपको बताया था वैसा ही हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, प्रॉफिट हुआ। देखें, इसी से अब मैं बोर हो चुका हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने कितना प्रॉफिट करा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग रोज़ प्रॉफिट कर रहे हैं, डेली प्रॉफिट कर रहे हैं। मैं भी प्रॉफिट कर रहा हूँ, मेरी टीम भी प्रॉफिट कर रही है, और दबा के प्रॉफिट कर रहे हैं, मज़े से प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन अब आप लोग बताएं कि आप लोगों ने कितना प्रॉफिट करा। जो लोग अभी तक हमारी टीम में नहीं हैं, उन लोगों ने भी प्रॉफिट करा है, तो वो लोग बताएं कि उन लोगों ने अभी तक कितना प्रॉफिट करा है। तो आज के दिन में मैंने टेलीग्राम पे तकरीबन कोई 6 सिग्नल्स दिए हैं। सही है, आज के दिन में 6 सिग्नल्स, 6 ट्रेड्स दिए हैं मैंने, लोगों को बता भी दिया है। और एक ट्रेड तकरीबन $170 पॉजिटिव चल रही है, एक ट्रेड $60 पॉजिटिव चल रही है, एक ट्रेड $50 पॉजिटिव चल रही है, एक ट्रेड $32 पॉजिटिव चल रही है, एक ट्रेड $15 पॉजिटिव चल रही है, और एक ट्रेड $57 नेगेटिव चल रही है। तो 6 में से एक ट्रेड नेगेटिव है, बाकी सारे ट्रेड पॉजिटिव हैं, और इंशाल्लाह बाकी ट्रेड भी पॉजिटिव हो जाएगी। जो एक रह गई है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। चलें, आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आएंगे। हियर यू आर। तो आज के दिन में ये आप लोग के सामने ट्रेड्स दिखा रहा हूँ मैं, जिन ट्रेड्स से मैंने बताया था आपको, एक ट्रेड हमारी नेगेटिव चल रही है, बाकी सारी ट्रेड्स हमारी पॉजिटिव चल रही हैं। टोटल 7 ट्रेड्स हैं, 7 में से 1 नेगेटिव, बाकी सारी पॉजिटिव। अच्छा जी, अभी हम आ जाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। गोल्ड का क्या सिनेरियो लग रहा है? गोल्ड में कल मैंने आपको गोल्ड का सेलिंग साइड बताई थी, और एग्जैक्ट कल गोल्ड ने सेलिंग साइड का मूव दे दिया, और बहुत अच्छा मूव दिया। टेक प्रॉफिट से हिट हुए, और बहुत एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। मेरे अकाउंट में $1600 का प्रॉफिट हुआ, बाकी आप लोग के अकाउंट में कितना हुआ ये आप लोग मुझे बताएंगे। गोल्ड कंटिन्यू बेयरिश है, गोल्ड अभी बुलिश नहीं हुआ है, तो गोल्ड को बेयरिश साइड पे ही देखें, बुलिश साइड पे मत देखें। बुलिश आएगा तो वो जस्ट सिंपल एक पुल बैक के लिए आएगा, एक ट्रेंड के लिए अभी नहीं आएगा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड अपने एक्चुअल मूव में जा रहा है, जो कि विच इज अराउंड 1700 1650 टू अपना 1750 समथिंग। दिस इज द गोल्ड एक्चुअल लेवल, तो ये गोल्ड का एक एक्चुअल लेवल है। तो गोल्ड अपने इस एक्चुअल लेवल पे आने की सिचुएशन में है अभी, तो गोल्ड भी इसी एक्चुअल लेवल के बीच में रेंजिंग करेगा, जिसमें बहुत लोगों को बहुत अच्छे से प्रॉफिट का तरीका बताऊंगा मैं, और बहुत लोग अच्छे से प्रॉफिट बनाएंगे। तो फिर हम आ जाते हैं गोल्ड का भी कंटिन्यू बेयरिश है। गोल्ड वीकली में देख लेते हैं, हम मंथली में देख लेते हैं। मंथली भी बेयरिश है, वीकली भी बेयरिश है, डेली भी बेयरिश है, और H4 में थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिख रही है बायर्स के लिए, लेकिन प्रॉपर बुलिश नहीं है। बाकी H1 में देखते हैं, तो H1 में भी हल्की सी उम्मीद की किरण है, लेकिन वो उम्मीद की किरण तब जागेगी जब अपना 1728 1728 ब्रेक होगा, देन फिर थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण जागेगी। तो उस पर फिर आपको मैं ट्रेड भी कभी कभी बताऊंगा। अच्छा, बाकी M15, M30, M5 में कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, और बल्कि M5 के हिसाब से तो मैं आप लोगों के लिए ये वाले, वैसे 28 में सेल लेनी थी, लेकिन मैं बाकी ट्रेड ले रहा था। चलें, आप लोग के लिए एक छोटी सी सेल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, जिसका SLTP हम बहुत छोटा रखेंगे। SL 40 पिप का है, TP 36 पिप का है, TP और हम बड़ा कर लेते हैं अपना। TP 50 पिप का, SL 40 पिप का है, देखते हैं ट्रेड्स की क्या अपडेट है। गोल्ड की ट्रेड अभी तकरीबन $2 नेगेटिव चले, इंशाल्लाह ये भी पॉजिटिव आ जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम, दूसरी अपडेट हमारी है किसकी, AUDUSD की। AUDUSD थोड़ी सी अपने ऊपर बाइंग पे आ रहा है, AUDUSD दोबारा सेलिंग पे आ जाएगा। AUDUSD पे भी ट्रेड देखता हूँ मैं, AUDUSD पे भी मैं यहाँ से सेल ले रहा हूँ। हालांकि ये एक एरिया बनता है, लेकिन AUDUSD कंटिन्यूस सेलिंग में आएगा, जिस भी हफ्ते AUDUSD में सेलिंग हमने ली है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं यूरोएसडी में। यूरोएसडी की क्या सिचुएशन है? यूरोएसडी की बहुत बुरी सूरत हाल है यूरोएसडी के, और यूरोएसडी जो है चांसेस नहीं है यूरोएसडी इतना इतना अच्छे का अभी यूरोएसडी बाइंग में जाएगा। लेकिन आप लोग को ये बता दूं मैं कि अभी भी इस रेट पे भी अगर आप फिजिकल यूरोस परचेस कर लेते हैं, तो आप लोग के लिए एक अच्छा फायदा हो सकता है। आप लोग को तकरीबन आने वाले 1-2 महीने में आपको ₹50 का एक बम मिल सकता है 1 यूरो पे, तो आपको बड़ा अच्छा फायदा हो जाएगा।
अच्छा फिर हमारे आते हैं JBBSD में। JBBSD में एक उम्मीद की किरण दिखी है, वो भी डेली में, जिस भी आप मैंने एक बाय ली है और आप लोग को भी बाय दी है, और उस बाय की सिचुएशन का टेक प्रॉफिट कितना हमने रखा है, $10,500 का हमने टेक प्रॉफिट रखा है। और स्टॉप लॉस कितना रखा है हमने, स्टॉप लॉस हमने रखा है $1,500 का, तकरीबन 1:100 का हमने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस इस तरीके से हमने कैलकुलेशन के हिसाब से रखा है। बाकी फिर हमारे आते हैं BTC में, बिटकॉइन का क्या सिचुएशन है। बिटकॉइन कल के दिन आपको बताया था बिटकॉइन बेरिश जाएगा और बिटकॉइन बेरिश गया, ये देख सकते हैं आप। बाकी बिटकॉइन थोड़ी सी अभी बाइंग लेगा, और बिटकॉइन का जो अभी बिटकॉइन यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बना सकता है, जो कि शॉर्ट ऑफ बनाया है लेकिन प्रॉपर ये बना नहीं है। तो तकरीबन 20,719 से जो है बिटकॉइन इस प्राइस पे आके दोबारा यहाँ से रिवर्स हो सकता है, इससे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर निकल के भी रिवर्स हो सकता है और बहुत बड़ी सेलिंग दे सकता है। फिर हम आ जाते हैं USDCAD में, USDCAD में क्या सिचुएशन है। USDCAD कंटिन्यू, वैसे तो USDCAD ऑल टाइम हाई पे और बाइंग का अपना सिनेरियो दिखा रहा है, लेकिन ये एक एरिया है यहाँ से USDCAD जो है थोड़ी बहुत एक सेलिंग दे सकता है, यहाँ पे रेंज करेगा, क्योंकि डॉलर अभी जितना स्ट्रांग हो रहा था उसमें डॉलर ने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया है, और आज के और कल के दिन में थोड़ा सा रेंजिंग का सिनेरियो दिख रहा है। बाकी हम आ जाते हैं USDT में, USDT का क्या सिनेरियो है। USDT जो है H4 में आपको सेलिंग दिखा रहा है, D1 में भी आपको सेलिंग दिखा रहा है, और फिर हम आ जाते हैं H1 में भी सेलिंग आपको दिखा रहा है, थोड़ी बहुत बाइंग में आ रहा है लेकिन H1 में भी आपको सेलिंग दिखा रहा है। और फिर हम आ जाते हैं वीक 1 में, तो ये कुछ USDT की अपडेट थी। बाकी फिर आ जाते हैं NASDAQ में, NASDAQ आपको NASDAQ सेलिंग में जाते जाते NASDAQ थोड़ा बाइंग में आ गया, और NASDAQ का प्रोबेबली एरिया कौन सा बनता है, NASDAQ का एक यही एरियाज बनते हैं यहाँ से। फिर अगला जो घंटा है, अगले घंटे में NASDAQ यहाँ से एक सेलिंग दे सकता है, एक अच्छी बड़ी सेलिंग दे सकता है, क्योंकि NASDAQ का भी मूव सेलिंग में आ चुका है। चलें इस वीडियो की बाकी जो ट्रेड्स हैं उनकी अपडेट आपको मिलेगी 6 से 7 बजे, मैं एक दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आपको अपडेट दूंगा कि इसमें आया हमने लॉस करा या आया हमने प्रॉफिट करा, हमने आज के दिन में क्या हमारे आज के दिन के रिजल्ट्स रहे। और इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, भाई की टीम को ज्वाइन करें और जम के प्रॉफिट बनाएं। फिया माल्ला, लाफ, टेक केयर ऑफ ऑल।